हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है शाम मेटालिक यहाँ पर पांच रुपए का टारगेट नजर आ रहा है ये स्टॉक्स के रिजल्ट फ्लैट आया बट स्टिल यहाँ पर टाइम देंगे थोड़ा सा और जब इसमें रैली आएगी तो ये अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा तो इसलिए स्टार्ट एकोमलेट दैट शेयर इसके अलावा यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड भी देख लीजिएगा एक बेहतरीन शेयर है यहाँ पर और हम बात करेंगे वाले आज की डेट में मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि किन किन स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं तो उन स्टॉक से रिलेटेड हम जानेंगे कि एग्जैक्टली exactly क्या वहां पर पकड़ा है क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है क्यों इतने स्टॉक्स ये भाग रहे हैं कुछ स्टॉक्स भागेंगे कुछ स्टॉक गिर चुके हैं तो स्टार्ट एकोमलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए

और यहाँ पर प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए बाई और यहाँ पर सीखने की कोशिश करिए जितना सीखेंगे अच्छा पैसा बनेगा तो यहाँ पर हम बात करते हैं है, एक एक है, तो 53%, 53 कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा करेक्ट यहाँ पर यह शेयर हो चुका है रिजल्ट की बात करूं तो इसके एक फ्लैट रिजल्ट आए थे जिसकी वजह से अगर देखें तो यहां पर एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हो चुकी है अगेन बता रहा हूं यहाँ पर एक यहाँ पर एक शोल्डर बना रहा है यहाँ पर हेड बना रहा है और फिर शोल्डर बना के ये चीजें निकलती हुई नजर आएगी यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा रिस्क स्टॉक है क्योंकि ये माइक्रो कैप स्टॉक्स है तो यहां पर थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा बट एक बेहतरीन के आर एस आई पे ओके एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें फिफ्टी थ्री परसेंट ये यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है अच्छे खासे लेवल पर मुझे एटलीस्ट ये शेयर नजर आता है तो यहां से अगर आप एकट करना चाहते हैं कर सकते हैं बट आपकी खुद की भी यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क होगी तो वो रिस्क तो ऑब्वियसली बात है अगर अच्छे रिटर्न चाहिए ये रिटर्न चाहिए तो इसके लिए आपको दस से पंद्रह परसेंट यहाँ पर डाउन साइड भी देखना पड़ेगा नीचे की बात करूं तो यहाँ पर ये शेयर आपको बारह रुपए और ज्यादा गिर सकता है बट जैसे कि अभी यहां पर वीडियो बनाई थी ये इससे रिलेटेड सेम इसी तरीके का चार्ट पैटर्न भी बनाता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा तो मेघबानी की तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा हम एक स्टॉक से रिलेटेड और बातें करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस यहाँ पर जब ये शेयर यहाँ पर नीचे चल रहा था मैंने वीडियो बना के आपको बार बार बताया है नौ सौ रुपए के आसपास कि इस शेयर को लेके ले, ले लीजिए काफी बेहतरीन है काफी अच्छे रिजल्ट भी आए थे तो रिजल्ट भी बताए थे और आज के दिन में सात परसेंट भागा अब इसके जो रिटर्न यहाँ पर बच गए हैं जो हमारे अट्ठाईस के रिटर्न आ रहे थे वो यहाँ पर अब बच गए हैं बीस परसेंट मतलब आठ के रिटर्न आज के डेट में मिल गए हैं और जिसने यहाँ पर खरीदा होगा अच्छे रिटर्न मिल गए होंगे और यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर टारगेट की बात

बाकी और कुछ नहीं है जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगी और फिर दोबारा रैली आएगी यही शेयर भागते हुए नजर आएंगे फिर एक और स्टॉक्स अपना फेवरेट वन यहाँ पर एच डी एफ सी एम सी एक बेहतरीन लेवल ओके okay, यहाँ पर बना लिया है इसने इससे पहले यहां पर रुका था इससे पहले यहाँ रुका था ओके okay, इसी यहाँ पर ये अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे इसी तरीके के सपोर्ट लेते लेते ये शेयर यहाँ पर आपको भागता हुआ दिखाई देगा और पच्चीस के रिटर्न आपकी थाली में रखे हुए है किस छब्बीस के रिटर्न आप किस लेने हैं किसको नहीं लेने यहाँ पर आप खुद देख लीजिएगा डिसाइड कर लीजिएगा छब्बीस सौ सत्ताईस शेयर चल रहा है अच्छे खासे लेवल पर है मत सोचिएगा कि बाईस सौ रुपए पे आएगा बाईसो रुपए पे ये शेयर अगर मार्केट गिरता है तो बुरी किस्मत हुई तो देखिए आ ही जाएगा वरना कुछ भी हो सकता है मार्केट में बट यहाँ से मुझे ज्यादा गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा एक बेहतरीन यहाँ पर कप हैंडल बना के ऊपर की तरफ जाती हुई चीजें नजर आ रही है और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर चार सौ साढ़े चार सौ रुपए के बनते हुए इसके अलावा दीपक स्पिनर हमने यहाँ पर महुहर पे आपको बताया था कि यहाँ पर ये शेयर में अच्छे खासी पोटेंशियल है यहाँ पर देखिए आज के दिन भी लगभग छह परसेंट भागा जब आपको यहाँ पर बताया था दो सौ हमने तो यहाँ पर ये खरीदा था इसके बाद ये लगभग पांच छे परसेंट अभी लगभग दस परसेंट के रिटर्न हमें साठ तो परसेंट रिजल्ट रिजल्ट हम पर पे जाता है कहा जा रहा है और जितने भी टेक्सटाइल के रिजल्ट आ रहे हैं सारे के रहे हैं तो शायद इसके भी रिजल्ट बेहतरीन राउंडिंग बॉटम बना के शेयर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी तरफ ध्यान दिया

यहाँ पर बाइंग की तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा इस स्टॉक्स में क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट है बट काफी बार ये होता है कि इसी तरीके से जब कभी एक बार रिजल्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे छोड़ देंगे हम लॉस में निकल जाएंगे या ऐसे ही निकल जाएंगे तो देखिए मार्केट में आए तो रिस्क तो हमारे साथ हमेशा बनी रहती है चाहे अच्छे स्टॉक्स हो या बुरे स्टॉक्स हो इसमें क्या है इसमें हमें होल्ड करने की जरूरत है टेक का स्टॉक्स है ऐसा स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट में एटलीस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट में इसकी पेयर कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है तो यहाँ पर एक यहाँ

काफी बेहतरीन है इंप्रेसिव रिजल्ट है इसी के बेसिस पे हम बातें कर रहे हैं हम बातें ऐसे ही नहीं कर रहे कि हमने यहाँ पर उठा इस इस शेयर को उठा लिया है एक करी है क्योंकि इसके रिजल्ट भी आ रहे, अच्छे आ रहे यहाँ रहे अच्छे हैं पर कंसोलिडेट कर रहा है सबसे पहला टारगेट एटी एट का धीरे धीरे करके यहाँ पर ये, ये, ये टारगेट आएंगे फिर ये भी टारगेट आते हुए दिखाई देंगे क्योंकि कब हैंडल पैटर्न से यही इसके ऑल लास्ट टाइम के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम का देना होगा टाइम देंगे पैसा बनता हुआ नजर आएगा बाकी आपकी इच्छा है इसके अलावा हम बात करेंगे एस्ट्राजेनिका की एस्ट्राजेनिका यहाँ पर लगभग एक से सवा साल यहाँ पर हो चुका है इस स्टॉक्स को यहाँ पर कंसोलिडेट करते करते यहाँ पर देखेंगे तो यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर 22 अप्रैल 2020 को ये शेयर इस प्राइस पे था अब भी ये इसी प्राइस पे लगभग डेढ़ साल हो चुका है डेढ़ साल से एक ही रेंज में यहाँ पर स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है इससे पहले भी हमने यहां खरीद के यहाँ पर बेच दिया था ये शेयर इसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट बट हमने यहां पर दोबारा बीच में बाय ऑन डिप्स करी थी तो हमारी भी यहाँ पर बाइंग प्राइस लगभग थर्टी के आसपास है अब यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज इसके रिजल्ट है रिजल्ट अभी तक आए नहीं है मैंने देख लिया अगर अच्छे रिजल्ट आ गए जो कि मुझे लग रहा है आने

इसी तरीके से यहां पर कुछ दिन ही लगेंगे और पचास परसेंट के रिटर्न मिल जाएंगे तो इसकी तरफ बना के रखिए इसके अलावा एक और स्टॉक नजारा नजारा आपको काफी बार यहां पर रिकमेंड किया था इस लेवल पर रिकमेंड किया था इस लेवल पर रिकमेंड किया था शेयर भागा भी था हमने यहां पर बेच भी दिया था रुपए के आसपास हमने पर एग्जिट भी कर लिया था अभी की बात करें तो अभी लगभग की पर 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 डाउन अपसाइड दिखाई दे रहा है क्योंकि पर अच्छा खासा करेक्ट हो गया है लेवल की बात करूं तो यहाँ पर एक कंसर्ट इसके रिजल्ट थोड़े से फ्लैट आए थे ईयरली बेसिस पे अच्छे थे क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर गिरावट थी अच्छी खासी ओके इस वजह से यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट भी है उसके बाद रिकवरी भी नहीं हुई है और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इक्कीस अगर ये शेयर आपको दो हजार रुपए के आसपास अब मिलता है ओके दो हजार रुपए के आसपास ये शेयर आपको मिलता है तो एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिएगा अभी थोड़ी हड़बड़ी मत करिएगा और अगर यहां पर खरीदते भी है तो फिर बाइ ऑन डिप्स यहां पर एक एक दो, दो शेयर यहाँ पर खरीद के इकट्ठा करना क्योंकि तो अगले टाइम जब रिजल्ट आएंगे उससे पहले चीजें मूव करनी शुरू करेगी और उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आएगी अभी मैंने भी, मैंने भी भी बाइंग नहीं करी है बट थोड़ा सा करेक्शन होगा और यहाँ पर जब मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो मैं इसके बारे में दोबारा सोचूंगा दोबारा एकट करेंगे दोबारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा तो यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टॉक है आरती इंडस्ट्री काफी टाइम से इसी लेवल पर यहाँ पर

इसी तरीके से हम पैसा कमाते रहेंगे हमारी स्टडी है हमारे बत आपको बताया था दो सौ पच्चीस रुपए पे दो सौ पच्चीस पे इसका बाईब था दो सौ रुपए पे हमने यहाँ पर पकड़ा था जब इसकी बाइबैक की अनाउंसमेंट हुई थी आज की डेट में दो सौ साठ रुपए के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी और भी ज्यादा पोटेंशियल

प्रिंस पाइप की प्रिंस पाइप तीन सात सौ रुपए पे यहाँ पर बाइंग थी हमारी और यहाँ पर स्टॉक्स को तो मैंने आपको काफी टाइम पहले चार सौ रुपए पे चल रहा था उस टाइम बताया था बट बत हमारी बाइंग सात सौ पे थी क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था उसके बाद चीटें यहाँ पर गिरी भी थी ओके okay, यहाँ पर हमने एग्जिट नहीं किया होल्ड किया वेट किया रिजल्ट अच्छा है रिजल्ट अच्छे आने पर यहाँ पर शेयर आज की डेट में डेढ़ सौ रुपए ऑलरेडी यहां पर भाग लिया है ओके okay, यहाँ पर चीजें अब यहाँ पर एग्जिट का दिखा रही है कि यहाँ से एग्जिट करना चाहिए और या, या थोड़ा सा या फिर कंसोलिडेट यहाँ पर अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी तो उस टाइम ये चीजें और ज्यादा भागती हुई दिखाई दे सकती है तो दो तरीके का यहाँ पर व्यू आ रहा है एक है यहाँ पर कंसोलिडेशन का अगर कंसोलिडेट करती है तो चीजें ऊपर निकलती हुई दिखाई देंगी अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो यहाँ पर ये चीजें फिर यहाँ पर गिरती हुई दे सकती है कल की कैंडल यहां पर डिसाइड करेगी कि एक्जेक्टली exactly होना क्या है तो उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा टेक्नोलॉजी से बताया था यहाँ पर पैसा डबल ऑलरेडी हो चुका है यहाँ यहाँ बट स्टिल हाँ यहाँ पर पैसा कैसे बनाना है उसको वो तरकीब पता है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर फोर्टीन हंड्रेड पे शेयर दोबारा यहाँ पर खरीदा था फिर इसके यहाँ पर ही खरीदा था फिर यहाँ पर नीचे आ गया फिर यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न फिर भी मिल रहे हैं और यहाँ पर अभी और भी अपसाइड क्योंकि इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है है और और भी भी अपसाइड की गुंजाइश यह शेयर यहाँ पर 2000 को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है आपको फ्यूचर में यहाँ पर गिरावट हो, होती नजर आती है सौ डेढ़ सौ दो सौ रुपए की तो इस शेयर को सबसे पहले अक्यूमुलेट करिएगा ये शेयर वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है और यहाँ पर इसके आज कमेंट्री भी सुन रहे थे इनके मैनेजमेंट की तो इनकी कमेंट्री थी कि आ, आ, जो ये हाफ अनदर हाफ क्वार्टर है ये इनका सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहने वाला है और चाहिए और ज्यादा बेहतरीन ये तीन हजार के टारगेट मुझे यहां पर नजर आते हैं आने वाले छह महीने के अंदर तो थो, थोड़ा सा इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है चीजों को थोड़ा गिरने पर खरीदना है एक साथ एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है ऑलरेडी बाइंग है इनमें तो होल्ड करने की कोशिश करिएगा और जहां पर प्रॉफिट बुकिंग लगे तो वहां पर प्रॉफिट भी बुक करिएगा सो थैंक यू सो मच कॉन्प्लेस